स्वागतम टू रेडमैन चैनल ऑल्सो रेडमैन हियर एंड फिर से स्वागत है आपका OFG यानी ऑसम फैक्ट गैलेक्सी में। तो आना वीडियो पे। रेड फैक्ट 5.1। 2014 में वैज्ञानिकों ने वर्ल्ड्स डार्केस्ट मटेरियल बनाया जिसका नाम दिया वेंटा ब्लैक। ये लगभग अपने पर आती सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है। इसे ब्लैक होल का 2D नमूना भी कहा जा सकता है। रेड फैक्ट 5.2। एक शहर है जिसका नाम है नथिंग। हाँ, इस शहर का नाम है नथिंग। ये एरिजोना में उपस्थित है और यहाँ रहता भी कोई नहीं है। अब इस शहर का नाम नथिंग है इसलिए यहाँ कोई नहीं रहता, या यहाँ कोई नहीं रहता इसलिए इस शहर का नाम नथिंग है, ये तो अब एरिजोना वाले ही जाने हैं। रेड फैक्ट 5.3। आपका वेट कितना है? आप डेली कितने ग्लास पानी पीते हैं? अगर आप इन दोनों सवालों के जवाब मुझे देते हो तो मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको एक हेल्दी लाइफ के लिए डेली कितना पानी पीना चाहिए। लुक एट दिस लिस्ट। अंडर 9 kg को 1 glass, अंडर 18 kg को 2 glass, अंडर 27 kg को 3 glass, अंडर 36 kg को 4 glass, अंडर 54 kg को 6 glass डेली पानी पीना चाहिए। अगर आप इस लिस्ट में गौर करें तो आपको एक ट्रिक मिलेगा जिससे आप अपने एक एग्जैक्ट नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर फाइंड कर सकते हैं। ये ट्रिक है, मान लो मेरा वेट नहीं, मान लो आपका वेट 45 kg है तो नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ग्लास फाइंड करने के लिए आपका वेट है उसे 9 से डिवाइड कर दो, बस यही होगा आपका नंबर ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ग्लास। रेड फैक्ट 5.4। चलो ये कोई फैक्ट नहीं, ये बस आपके फन के लिए है, या आप कह सकते हो ए टाइप ऑफ मीम। ये बहुत मज़ेदार है। अच्छा, हमें जो स्कूल में ग्रेड्स मिलते थे ना ABC या D, तो वो तो हमारे लिए था कि हम जितना अच्छा पढ़ेंगे उतना ऊपर का ग्रेड हमें मिलेगा, लेकिन हमारे पेरेंट्स उसे क्या देखते थे और उनका क्या रिएक्शन था वो देखो जरा। ग्रेड अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स। ए फॉर एवरेज, मतलब चल सकता है। बी फॉर बिलो एवरेज, मतलब थोड़ा चल सकता है। सी फॉर कांट हैव डिनर, मतलब सी ग्रेड वाले को तो आज डिनर ही नहीं मिलेगा। डी फॉर डोंट कम होम, मतलब डी वाले को तो आज घर ही आना मना है। और एफ फॉर फाइंड अ न्यू फैमिली, मतलब एफ ग्रेड वालों के लिए तो कोई फैमिली में जगह ही नहीं, निकल जाओ हमारे घर से। मतलब ग्रेड के हिसाब से सजा दिया जाता था मेरे भाई यहाँ तो। रेड फैक्ट 5.5। क्या आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो? खैर, ये तो हमारे काम की चीज़ नहीं। अभी इस फैक्ट के लिए हमारे काम का सवाल होगा कि पढ़ने के बाद आप न्यूज़पेपर क्या करते हैं। वह आपका तो पता नहीं, लेकिन मैं पढ़ने के बाद एक जगह इकट्ठा करके उन्हें रद्दी के भाव भेज देता हूँ। कुछ घर के काम भी यूज़ आ जाते हैं और मोस्टली लोग भी यही करते हैं, लेकिन जापान में कुछ अलग ही करते हैं मेरे दोस्त। जापान के न्यूज़पेपर ऐसे होते हैं कि आप इसे कहीं एक जगह रख दें तो कुछ दिन बाद उसमें उपस्थित बीज अंकुरित होने लगता है और वो बढ़कर एक पौधे का रूप ले लेते हैं। मतलब ये सही है मैम, मतलब एक पैर जितना आप न्यूज़पेपर निकालते हो तो फिर उसी न्यूज़पेपर से 1000 गुना पैर लगवा रहे हो। अब क्या कहूँ मैं जापानीज माइंड को, बहुत हार्ड मैन, बहुत हार्ड। रेड फैक्ट 5.6। चलो जापान की बड़ाई तो बहुत हो गई, अब अपने इंडिया पे आते हैं। तो ये आपको पता है कि चाइना इंडिया को पहले प्रेजेंट करने के लिए तियानजोहू वर्ड का यूज़ करते थे जिसका हिंदी में मतलब होता है स्वर्ग। चलो अब ज़्यादा खुश भी मत हो क्योंकि बहुत पहले यूज़ किया करते थे, लेकिन आज तो इंडिया पता नहीं कितने क्राइम से घिरा हुआ है। रेड फैक्ट 5.7। बुक्स पढ़ना अच्छी बात है, बट आजकल के बिजी लाइफस्टाइल में शायद ही कुछ लोग इसे प्रायोरिटी देते हैं और अपने डेली रूटीन में इसे शामिल करते हैं। अब चलते हैं फैक्ट पे। कुछ बुक्स या उसके स्टोरेज इतने नॉलेजफुल या पॉपुलर होते हैं कि उनके ऊपर मूवियाँ भी बन जाती हैं। बट वेट, क्या बुक्स से लेकर बनी मूवी हमें उतना डिस्क्राइब कर पाती है या नॉलेज दे पाती है?
वेल नो, वॉच दिस। ये एक स्टोरी बुक है और ये जो गोल पार्ट है वो बुक पे निकाला मूवी है। और आप देख सकते हो कि हमें इस बुक का इतना पार्ट ही डिस्क्राइब कर पाती है या नॉलेज दे पाती है, लेकिन ये सब वाला पार्ट तो बच गया मेरे भाई। तो आपसे कहा जाए कि एक बुक और उसी टॉपिक पर बनी मूवी में से चूज़ करो, तो आप किसे चूज़ करोगे? वेल, आपके पास थोड़ा भी समय हो तो हमेशा बुक को ही चूज़ करना कंप्लीट नॉलेज के लिए। रेड फैक्ट 5.8, क्या एक स्वस्थ और सुंदर दांत का रंग पूरा सफ़ेद होता है? अगर आपका आंसर हाँ है तो आप गलत हो मेरे दोस्त, यह बस मिथ है। सच्चाई तो यह है कि एक स्वस्थ और तंदुरुस्त दांत का रंग हल्का येलोइश होता है। रेड फैक्ट 5.9, अगर आप एयरप्लेन में आप फूड लेते हो तो वो फूड आपको टेस्टी नहीं लगता होगा, क्योंकि जब आप प्लेन में उड़ रहे होते हैं तो ऊपर आपके स्मेल करने और टेस्ट करने की क्षमता घटकर 20 से 50% ही रह जाती है। रेड फैक्ट 5.10, वाईफाई नेटवर्क कैन बी अफेक्टेड बाई माइक्रोवेव्स। जी हाँ, जब आप माइक्रोवेव के आसपास वाईफाई यूज़ करते हो तो आपके नेटवर्क को अफेक्ट करता है। प्लीज़ लाइक एंड शेयर दिस वीडियो एंड ऑल्सो सब्सक्राइब रेडमैन चैनल फॉर नेक्स्ट अपडेट्स। टाटा।